बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 12.2.2, यूनिट नंबर 12, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पेज नंबर 57। पेज 57, यूनिट नंबर 12, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, टॉपिक नंबर 12.2.2, फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है? ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी हमारे साथ फोकल लेंथ एंड फोकल पॉइंट हमने फाइंड करना है, लेकिन वहाँ पर कॉनकेव मिरर था, अब यहाँ पर क्या है? कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है, वहाँ पर कॉनकेव मिरर था हमारे साथ। अब कॉनकेव मिरर के लिए जो हमारे साथ फार्मूला आया था किस चीज़ के लिए? फोकल लेंथ के लिए। वो आया था एफ इज इक्वल टू 1/2r, यानी फोकल लेंथ बराबर है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ किस चीज़ के बराबर है? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज हमने देखना ये है कि कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, ये तो हमारे साथ कॉनकेव मिरर के लिए आया था, जो कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे साथ आइसोसेलिस ट्रायंगल है। ठीक है, और उस यहाँ पर देख ले कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, यहाँ पर सी पी बराबर है, ठीक है, सी एफ प्लस एफ पी। ठीक है, तो एफ पी बराबर है हाफ ऑफ सी पी, सी एफ पी बराबर है हाफ ऑफ सी एफ के। ठीक है, तो ये सी क्या है? ये है हमारे साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर है? आर के बराबर है, और ये टोटल डिस्टेंस एफ के बराबर है। अब ये एफ पी बराबर है हाफ ऑफ सी पी के, हाफ ऑफ सी पी के। ठीक है, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं हाफ ऑफ आर। ठीक है, फोकल लेंथ हमारे साथ, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ बराबर हो गया हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमारे साथ आइसोसेलिस ट्राइंगल आया था, यहाँ पर ये नॉर्मल लाइन आई थी। ठीक है, हमने ड्रा किया था। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी वे हो गए थे। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किए थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किए थे। ये जो लाइट रे इंसिडेंट है, ये यहाँ पर जो टकरा गया फिर वापस रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, जब ये इसके साथ टकरा गया और दोबारा रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये फिर हमारे साथ क्या हो जाता है? ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। यहाँ पर एक डायग्राम बनता है, ठीक है, जिसको हम आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, आइसोसेलिस ट्रायंगल वो होता है जिसके दो साइड और दो एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बन गया, और इस आइसोसेलिस ट्रायंगल के बेस पे हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पर फोकल लेंथ बराबर है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज हमने देखना ये है कि फोकल लेंथ एंड फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कन्वेक्स मिरर क्या है। वो मिरर जिसकी आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश हो, यानी जब लाइट रे उसके साथ टकरा जाए, ठीक है, और उसको वो डाइवर्ज करे, ठीक है, कन्वर्ज नहीं करे, एक पॉइंट पर वो कन्वर्ज नहीं करे, बल्कि लाइट रे को वो डाइवर्ज करे उस पॉइंट को, यानी उस मिरर को, फिर हम क्या कहते हैं? उस मिरर को फिर हम कहते हैं कनकेव, कन्वेक्स मिरर। फिर उस मिरर को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। अब वो जो जिस जो जिस लाइट रे को स्ट्राइक, यानी परस्कर ये एक लाइट रे आ गया इस मिरर के साथ टकरा गया, ठीक है, अब ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे क्या हो गया है? रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, अब जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करें, ठीक है, किस साइड? इंटरनल साइड, यानी ये देख लीजिए, अगर हम इस तरह एक सर्कल ड्रा करें तो ये इसका सेंटर आता है और ये फोकल पॉइंट आता है। फोकल पॉइंट फिर हम किस तरह लेते हैं वो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये तो इस डायरेक्शन में चला गया। अब अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को इस इंटरनल यानी इस मिरर की तरफ एक्सटेंड कर, यानी इस प्रिंसिपल फोकस पे आप देख ले कि ये हमारे साथ इस तरह है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल फोकस भी फिर इंटरनल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? इंटरनल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दूसरी साइड पर यानी इंटरनल होगा जब हम इस रे को, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करें, ठीक है, और ये
इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करे वो पॉइंट हमारे साथ क्या है, फोकल पॉइंट है। वो पॉइंट हमारे साथ क्या है, फोकल पॉइंट है। और उस पॉइंट से लेकर यानी पॉइंट एफ से लेकर पॉइंट पी तक ये क्या है, फोकल लेंथ है। और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब लाइट रे आ गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, किस चीज़ के, प्रिंसिपल एक्सिस के, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। यहाँ पर अगर ये सीधा एक्सटेंड करे तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब ये हमारे साथ जब मिरर के साथ टकरा गया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब इन दोनों के दरमियान में क्या है, एक नॉर्मल ड्रा करता हूँ तो ये नॉर्मल सीधा किस चीज़ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। नॉर्मल किस चीज़ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ आई जितना है वो वहाँ, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे साथ ये कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा किस चीज़ के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। अब हमारे साथ क्या है, ये दोनों एंगल्स तो बराबर हो गए। अब हम इस नॉर्मल को एक्सटेंड करें और इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम एक्सटेंड करें और ये प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर ले ये दोनों, तो ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर टच करता है और ये रिफ्लेक्टेड रे फोकल पॉइंट पर टच करता है। तो यहाँ पर फिर हमारे साथ एक ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर फिर क्या बन गया हमारे साथ, एक ट्राइंगल बन गया। और ये भी एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलिस ट्राइंगल किस तरह है कि दो साइड बराबर है, ए एफ और एफ सी, ये दोनों क्या है, बराबर है। ए एफ और एफ सी, ये वाला साइड और ये साइड, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे साथ बराबर है तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ सी बराबर है किस चीज़ के, एफ पी के। एफ सी बराबर है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बराबर है एफ पी के। वो किस चीज़ के बराबर है, एफ पी के। एफ पी बराबर है एफ सी के। और ये टोटल डिस्टेंस यानी सी पी किस चीज़ के बराबर है, ये टोटल डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है आर की, ठीक है। यानी सी पी बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर की किस चीज़ के, आर की, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सी पी किस चीज़ के बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एफ पी बराबर है हाफ ऑफ सी पी के। एफ पी बराबर है हाफ ऑफ सी पी के, ठीक है। एफ पी बराबर है हाफ ऑफ सी पी के। यहाँ पर देख लीजिए, सी पी को हमने हाफ में डिवाइड किया है, सी पी को इस पॉइंट एफ ने हाफ में डिवाइड किया है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एफ पी बराबर है हाफ ऑफ सी पी के, हाफ ऑफ सी पी की, यानी फोकल लेंथ बराबर है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की। फोकल लेंथ बराबर है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है कि यहाँ पर ये जो हमारे साथ ट्राइंगल बन रहा है ये मिरर की दूसरे साइड पर बन रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये ट्राइंगल बिल्कुल सेम साइड पर बन गया था, ठीक है। इन लाइट जिस साइड पर रिफ्लेक्ट हो गई थी बिल्कुल उसी पॉइंट पर, उसी साइड पर हमारे साथ ट्राइंगल बन गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे साथ है, यहाँ पर ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो गया है, लेकिन हमारे साथ जो डायग्राम बन गया है वो दूसरे साइड पर, मिरर के दूसरे साइड पर बन गया है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम एक साइन लगाएंगे जिसको हम नेगेटिव साइन कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर फोकल लेंथ जो है या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दूसरे साइड पर है, यानी मिरर की दूसरे साइड पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, ठीक है। इसी वजह से हम माइनस साइन लगाते आते हैं। बुक की तरफ, फिगर 12.5 विच शोज दैट ए सिंगल लाइट रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, द फर्स्ट थिंग टू नोटिस अबाउट दिस डायग्राम इज दैट ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज इंटरसेक्ट द मिरर एट राइट एंगल। The first thing is that to notice about this diagram is that a straight line drawn through a center of curvature always intersects the mirror at right angle. इस तरह मैंने आप लोगों से कहा कि सेंटर से जो भी लाइन पास होगी वो इस मिरर को 90 एंगल के साथ
टच करेगी, ठीक है। अब उस वो लाइन हमारे साथ फिर क्या कहलाएगी, हम उसे फिर हम कहते हैं नॉर्मल, फिर उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये किस चीज़ से पास हो गया है, सेंटर से हमारे साथ पास हो गया है, ठीक है। सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए, सिंस द इनकमिंग रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट फॉलोज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, एंगल सी ए एफ। देयरफॉर फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी ए एफ, मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया है, ठीक है, वो बराबर है एंगल ए एफ सी, ठीक है, ए एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो मस्ट बिल्कुल टू मस्ट बराबर होगा किस चीज़ के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, कि हमारे साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी ओबे होते हैं, ठीक है। व्हेन वी सी द ट्राइंगल दैट ट्राइंगल सी ए एफ इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ए एफ कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दो एंगल हमारे साथ सेम है और दो साइड भी हमारे साथ सेम है, ठीक है। फाइनली फॉर ऑल स्मॉल एंगल द लेंथ सी एफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाफ ऑफ सी ए, द लेंथ सी एफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाफ ऑफ एफ ए, हाफ ऑफ सी ए, हाफ ऑफ सी ए, ठीक है। फाइनली पर स्मॉल एंगल द लेंथ सी एफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ सी ए, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ सी ए, यानी सी ए हमारे साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बराबर है किस चीज़ के, हाफ ऑफ फोकल लेंथ की, सी एफ के, हाफ ऑफ सी एफ के बराबर है, ठीक है। और सी ए के सी ए से रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी एफ बराबर है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी एफ बराबर है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की, सी एफ किस चीज़ के बराबर है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यहाँ पर हमने लिख लिया है सी एफ बराबर है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। Therefore, in this approximation, the distance FP, यानी focal length, is of is also equal to 1 divided by 2R. अब FC बराबर है FP के, तो जाहिर सी बात है कि FP हाफ FC हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो FP भी रेडियस ऑफ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की बराबर हो गया, और FP क्या है, वो है हमारे साथ क्या, focal length, वो क्या हमारे साथ क्या है, वो है focal length, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले, जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर एक साइन फिर हम लगाते हैं, वो साइन क्या है, F इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई टू आर, हम माइनस वन डिवाइड बाई टू आर क्यों लेते हैं, कनकेव मिरर में तो हमने माइनस नहीं लगाया था, ये कन्वेक्स मिरर में हम क्यों माइनस लगाते हैं, तो सिंपल यहाँ पर इस डायग्राम की तरफ देख लें, यहाँ पर जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है, ये बिल्कुल हमारे साथ सेम ही एंगल की साइड पे रिफ्लेक्ट हो गया है, यानी जो डायग्राम वगैरह बन गया है, या फोकल लेंथ है या सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे साथ है, वो बिल्कुल रिफ्लेक्टिव साइड पर भी है और इंसिडेंट साइड पर भी है, तो इसी वजह से इसमें जो हमारे साथ आर फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हम क्यों लेते हैं, इसी वजह से लेते हैं क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करते हुए इसका जो फोकल लेंथ है या फोकल पॉइंट है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के दूसरी साइड पर बन गया है, वो मिरर के दूसरी साइड पर है, इसी वजह से हम यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर द रे कन्वर्ज आर डाइवर्ज एज इफ दे ओरिजिन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट इज शोन इन फिगर। यहाँ पर देख लीजिए जिस तरह, ये तो हमने एक रे की बात की जो ये वाला रहता, अब दूसरा रे आ गया, तीसरा रे आ गया, चौथा रे आ गया, अब इस रेजेस को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये सारी रेस किस चीज़ से पास होगी, एक पॉइंट से पास होगी, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ कन्केव मिरर के लिए भी है कि लाइट हमारे साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये एक ही पॉइंट से पास होगी, इस पॉइंट को फिर हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे साथ किस चीज़ के लिए, कन्केव मिरर के लिए, और ये है हमारे साथ कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है।
कन्वेक्स मिरर हमारे साथ कन्वर्जिंग मिरर है, यानी हमारे साथ लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है, और कनकेव मिरर इस डायरेक्शंस की तरफ देख ली। इस डायरेक्शंस का काम क्या है कि ये मिरर को यानी लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। यानी लाइट रे को ये कनकेव मिरर एक पॉइंट पर फोकस करता है और ये हर एक लाइट रे को डाइवर्ज करवा देता है, ठीक है। किस कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो ये था हमारे साथ फोकल लेंथ एंड फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर हमने कल किया था और ये था हमारे साथ फोकल लेंथ एंड फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। काइंडली जिस पॉइंट में भी मसला हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।